जौनपुर के पुराने शहर निवासी अनिल गुप्ता नियमित रूप से अपने घर से सुबह 4 बजे निकलते थे दूध लेने के लिए और करीब 6 बजे वापस लौटते थे। कल जब वो घर वापस नहीं लौटे तो उनके परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने तलाश की तो उनका कोई अता पता नहीं लगा। उनके निकट मित्रों और परिजनों के द्वारा जब जिस रास्ते से वो जाते थे उस रास्ते की रेखी की गई तो उनको एक जगह पर खून के निशान मिले और कुछ मिर्च का पाउडर भी पड़ा हुआ मिला। कोई अनहोनी की आशंका उनको नजर आई। इस संबंध में उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के डिप्टी SP और SHO कोतवाली द्वारा जब मौका निरीक्षण किया गया तो उनको ये लगा कि वास्तव में कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि वहाँ खून के निशान थे और मिट्टी पड़ी हुई थी और आगे दूसरे चंबल तक का जो रास्ता रेखी किया गया वहाँ चंबल पर भी एक स्थान पर खून के निशान मिले। ऐसा लग रहा था कि किसी व्यक्ति के साथ में कोई बड़ा हादसा हुआ है। इसके बाद उनके पुत्र द्वारा एक आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ उनके पिता की हत्या करने की आशंका व्यक्त की गई थी। पुलिस के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। सुबह का समय था 4 बजे जब कोई व्यक्ति होता नहीं है और जिस स्थान पर यह घटना घटित हुई थी वो बिल्कुल निर्जन है और भीड़ों के बीच में है। ऐसे में वहां कोई चश्मदीद गवाह या अन्य साक्ष्य होने की भी संभावना नहीं थी। इसके बावजूद पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। तकनीकी साक्ष्य संकलित किए, उनके परिजनों के बारे में भी सूत्र सूचना एकत्रित की। दोपहर होते होते पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले और पुलिस द्वारा मृतक का भाई सुनील गुप्ता के पुत्र सत्यम को पूछताछ के लिए तलब किया। उन साइकोलॉजिकली उनसे कड़ाई से पूछताछ हुई तो पुलिस को कुछ अहम सूत्र सामने आए और एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए शाम तक इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस द्वारा खुलासा कर दिया गया। हुआ ये कि इनके सुनील गुप्ता और अनिल गुप्ता के बीच में मकान के डिस्प्यूट चल रहा है काफी समय से। इसको लेकर के दोनों परिवारों में काफी रंजिश थी। इसी के चलते सुनील गुप्ता और सत्यम ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत इसको ठिकाने लगाने की एक प्लानिंग की जिसमें हसमुद्दीन नाम का व्यक्ति भी शामिल हुआ और इस आपराधिक षड्यंत्र के तहत इसको मारने की प्लानिंग आज से 2-2.5 महीने पहले शुरू हुई, जिसके अंतर्गत प्रथम प्रयास के दौरान एक कैंटर गाड़ी से मुबीन नाम के व्यक्ति को हायर करते हुए उसको एक्सीडेंट करके मारने का प्लान रचा गया। 2 जून को ये घटना कारित हुई, लेकिन तकदीर से अनिल गुप्ता उस घटना में बच गए। उनको ये एहसास भी नहीं हुआ कि उन पर कोई जान से मारने की नियत का अटेम्प्ट हुआ है। इलाज लेने के कुछ समय तक वो उन्होंने अपना जो मॉर्निंग वॉक वाला कार्यक्रम था वो स्थगित रखा। उसके बाद जब वो पूरी तरह ठीक हो गए तो उनकी नियमित दिनचर्या पुनः शुरू हुई। इसके बाद इन्होंने पुनः प्लानिंग की और हसमुद्दीन से एक नया व्यक्ति टुंडा नाम का व्यक्ति हायर किया गया और टुंडा से इसका सत्यम का संपर्क कराया गया। सत्यम और टुंडा ने मिलकर के कल सुबह 3 बजे ये उठे, उसका पीछा किया अनिल गुप्ता का और वहाँ जो शेरगढ़ किले की तरफ रास्ता मुड़ता है वहाँ एक पुलिया के पास में पहले से जाके इन्होंने मोर्चा ले लिया और अपनी उपस्थिति छिपा दी। जो ही अनिल गुप्ता पुलिया के पास से गुजरे तो पीछे से आकर के इन्होंने उनकी आंखों में मिर्ची झोंक दी और एक बल्लम से उनके शरीर पर बेरहमी से प्रहार किया जिसे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इन्होंने पूरी प्लानिंग के अंतर्गत उसको एक बोरे में डाला और एक चादर में बांध करके मोटरसाइकिल पर लेकर के चंबल पुल के पास चले गए और चंबल पुल पे एक स्थान पे जो तार हैं उनमें कटे हुए हैं एक और ओपनिंग बनी हुई है उससे वहां पे उनको ड्रॉप कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक के अनुसंधान से सत्यम गुप्ता, सुनील गुप्ता, हसमुद्दीन, मुबीन और टुंडा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मर्डर के अपराध के दोषी पाए गए हैं। पुलिस द्वारा इनमें से अभी तक सत्यम, सुनील और हसमुद्दीन इनको गिरफ्तार किया गया है। टुंडा और मुबीन की तलाश जारी है। पुलिस CO City के निर्देशन में गहनता से अनुसंधान कर रही है। इस संबंध में जो भी सुसंगत साक्ष्य हैं
वो काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य कुछ संकलित किए गए हैं और कुछ संकलित किए जाने प्रक्रिया दी। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।